सब्सक्राइब कीजिए तुषार गुरुजी चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट कार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं तुषार और लेकर आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो। जी हां दोस्तों, आज हमारे पास में है महिंद्रा बोलेरो पावर प्लस गाड़ी और इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं मिरर डिस्प्ले और रिवर्स पार्किंग कैमरा। तो देखते हैं मेरे साथ ये वीडियो। स्वागत है आपका तुषार गुरुजी चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, मेरे पास में 7 इंच का J3L कंपनी का मिरर डिस्प्ले है जो कि हम लोग हमारी बोलेरो गाड़ी के मिडिल मिरर के पास में इंस्टॉल करने वाले हैं। फुल टच स्क्रीन के साथ में आपको ये मिलता है, LED डिजिटल स्क्रीन इसकी रहती है। इसके अलावा आपको इसके अंदर USB पोर्ट मिल जाता है, पेन ड्राइव लगा सकते हैं, SD कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है, इसके अलावा FM रेडियो और फुल HD 1080p का सपोर्ट आपको इस मिरर डिस्प्ले के अंदर मिल जाता है। बहुत प्यारा ये मिरर डिस्प्ले, तो इसे आज हम लोग इंस्टॉल करेंगे। इसके अलावा भाई हम लोग इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं रिवर्स पार्किंग कैमरा। अभी इस डिस्प्ले की खास बात मैं आपको बता दूँ तो इसमें आप पेन ड्राइव लगा के गाने सुन सकते हैं, ब्लूटूथ की मदद से भी गाने सुन सकते हैं। साथ में आपको इसमें एक छोटा सा वायरलेस रिमोट भी मिल जाता है जिसके थ्रू आप सारे फंक्शंस को चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। और भाई इसके अंदर आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिलती है। तो J3L कंपनी आपको इस मिरर डिस्प्ले के लिए 1 ईयर की वारंटी देती है और ये वारंटी कार्ड भी आपको मिल जाता है इस बॉक्स के साथ में। और ये हो गया हमारा यूज़र मैनुअल जो कि किस तरीके से ये सारा सिस्टम वर्क करता है, ये स्क्रीन कैसे वर्क करता है, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। तो ये है हमारा J3L कंपनी का 7 इंच का मिरर डिस्प्ले। अब बात करेंगे भाई रिवर्स पार्किंग कैमरा की। तो यहाँ पर देखिए HD क्वालिटी का वाटरप्रूफ कैमरा है जो कि LEDs के साथ में आता है और ये हम लोग हमारी बोलेरो गाड़ी के बैक साइड में इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सारा इंस्टॉलेशन आपको 1x1 बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। ये जो हमारे पास में कैमरा है ये LEDs के साथ में आता है, नाइट विज़न के साथ में आता है, मतलब रात में भी आपको बहुत बढ़िया ये व्यू देगा स्क्रीन के ऊपर। यहाँ देखिए छोटी छोटी सी LEDs लगी हुई है, जैसे ये कैमरा ऑन होता है तो LEDs भी ऑन हो जाती है। इसके अलावा इस बॉक्स के अंदर आपको मिल जाते सारे वायरिंग्स किट, कपलर का कनेक्शन मिलता है जिससे आपकी वायरिंग्स वगैरह कट नहीं होती है। और भाई रियर साइड में इस कैमरे को इंस्टॉल करने के लिए हमें लगता है ड्रिल, तो ये ड्रिल बिट भी आपको यहाँ पर दिया जाता है जिसके थ्रू आप ड्रिल कर सकते हैं, तो प्रॉपर इसका ड्रिल हो जाता है। ये देखिए होल सॉ इसके लिए आपको दी जाती है जिसके थ्रू आप इसकी मदद से ड्रिल कर पाएंगे पीछे में होल करके, फिर उसके बाद में इस कैमरे को इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए अभी हम लोगों ने इंस्टॉल किया है हमारा मिरर डिस्प्ले, आप यहाँ पर देख पाएंगे J3L कंपनी का जो मिरर डिस्प्ले आपको मैंने बताया था 7 इंच का है ये डिस्प्ले है और फुल HD क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अभी आप यहाँ देख पाएंगे इस तरीके से आपको म्यूज़िक का डिस्प्ले मिल जाता है और यहाँ पर इसे हम लोगों ने जो हमारा मिडिल मिरर है उसके ऊपर इंस्टॉल किया है। अब मिरर डिस्प्ले से क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इतना शाइनी रहता है कि आपके मिरर का भी काम करेगा। तो रियर साइड में अगर आपको मिरर का इस्तेमाल करना है तो ये मिरर का वर्क भी करेगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे HD ब्लूटूथ और टच का यहाँ पर सिंबल बना हुआ है, बीच में आपको ये स्क्रीन मिल जाती है जिसके अंदर जो पार्किंग कैमरा का व्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और मिडिल मिरर के ऊपर इसे इंस्टॉल किया गया है। तो आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ आपको मूवमेंट करना है वैसा मूवमेंट आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद में वीडियो के आखिरी में इसका स्टेबिलिटी टेस्ट भी बताऊँगा कि आप कितनी तेज़ भी गाड़ी चला लो ये अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा मिरर है वो एज इट इज़ वहीं पर है और इस मिरर के ऊपर में ये टाइटली इसे होल्ड किया गया है। नीचे में आप देखिए पेन ड्राइव लगाने के लिए स्लॉट दिया गया है, HD कार्ड लगाने के लिए आपको यहाँ पर स्लॉट दिया गया है। तो ये सारी फैसिलिटी आपको इस मिरर डिस्प्ले के अंदर मिल जाती हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि ये जो मिरर डिस्प्ले तो हम लोगों ने इसमें लगाया है, इसके अलावा नीचे में गाड़ी में लगा हुआ है सिंगल डिन स्टीरियो सिस्टम। जब भी आप इस मिरर डिस्प्ले के अंदर कोई भी सॉन्ग वगैरह प्ले करेंगे तो गाड़ी के सभी जो स्पीकर से उसमें उसका आउटपुट मिलेगा, तो उसके लिए फ्रिक्वेंसी मैच करनी होती है हमारे
सिंगल डिन स्टीरियो सिस्टम की और ये मिरर डिस्प्ले की, तो वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस सिस्टम को अपने स्पीकर्स के आउटपुट से लिंक कर सकते हैं। तो वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। अभी देखिएगा इसका जो टच है बहुत स्मूथ है, सारे फंक्शन इसके बहुत बढ़िया वर्क करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर बैक का ऑप्शन आपको मिल जाता है और सारी सेटिंग्स के ऑप्शन मिल जाते हैं और सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती है। आप चाहे तो बिल्कुल भैया एचडी क्वालिटी की मूवी भी इसमें चलाकर देख सकते हैं। बस आपको एक पेन ड्राइव के अंदर मूवी डालनी है और मूवीज़ आप देख सकते हैं, फोटोग्राफ्स देख सकते हैं, ब्लूटूथ लगा के आप यूट्यूब से वीडियो प्ले करके इसमें चला सकते हैं। साथ में आपका जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके अंदर इनबिल्ट आपको मिल जाता है भाई क्या एफएम रेडियो, तो बिल्कुल एफएम रेडियो का भी इस्तेमाल आप इसमें कर पाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो फ्रिक्वेंसी मैच करके हमारा जो सिंगल डिन स्टीरियो सिस्टम है उसका दोनों को मैच करके आप अपने गाड़ी के स्पीकर्स में इसका आउटपुट दे सकते हैं। वैसे इसके अंदर आपको एक छोटा सा स्पीकर मिल जाता है लेकिन वो इतना सफिशिएंट नहीं रहता उसका साउंड। हम इसे हमारे जो गाड़ी के स्पीकर है उसके साथ में लिंक करेंगे और आपको मैं ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो अभी आप देख पाएंगे ये हमारा जो टच है यहाँ पर प्रॉपरली वर्क कर रहा है, इंस्टॉलेशन इसका अच्छे से हो गया है। इंस्टॉलेशन करने के लिए भी भाई आपको कुछ नहीं है, इसका जो बैटरी के साथ में पावर लाइन देनी रहती है और पीछे में जो हमारा पार्किंग कैमरा है उसके साथ में इसको कनेक्शन करना देता है। इसके अलावा इसका कोई हार्ड एंड फास्ट कनेक्शन नहीं है, सिर्फ आपको बैटरी के साथ में पावर सप्लाई देना है और रिवर्स पार्किंग कैमरा तक इसका कनेक्शन देना है। दो चीज़ का कनेक्शन होता है, इसके अलावा और किसी चीज़ का कनेक्शन इसमें करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी आप यहाँ पर देख पाएंगे लुक की मैं बात करूँ तो लुक वाइज काफ़ी बढ़िया है, डिज़ाइन इसका काफ़ी डिसेंट है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है और गाड़ी में जब इंस्टॉल हो जाता है तो बहुत बढ़िया ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है हमारी बोलेरो गाड़ी का। तो ये चीज़ आप अपनी गाड़ी के लिए बिल्कुल इंस्टॉल करवा सकते हैं। बोलेरो गाड़ी के लिए अधिकतर लोग ये मिरर डिस्प्ले इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप फ्रिक्वेंसी मैच कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख पाएंगे हमारे पास नीचे में भाई ये है हमारा सिंगल डिन स्टीरियो सिस्टम जो कि कैनवुड का है, बोलेरो गाड़ी में पहले से इंस्टॉल आया है। इसके अंदर देखिएगा फ्रिक्वेंसी आप 87.7 फ्रिक्वेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब आपको क्या करना है, यही फ्रिक्वेंसी आपके मिरर डिस्प्ले के ऊपर में 87.9 87.7 आपको इसे मैच करना होगा। दोनों फ्रिक्वेंसी मैच हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक आपका जो डिस्प्ले है जो आपका स्पीकर है उसमें इसका आउटपुट चले जाएगा। तो ये एक चीज़ होती है जिसे आपको मैच करना आना चाहिए। देखिए 87.70 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेडियो की फ्रिक्वेंसी हम लोग ने वहाँ पर जाके मैच की, यही फ्रिक्वेंसी आपको नीचे वाले जो स्टीरियो सिस्टम है उसके एफएम में जाना है और 87.7 फ्रिक्वेंसी मैच करना है और इस तरीके से आप दोनों ही सिस्टम को लिंक कर पाएंगे और अपने स्पीकर्स में इसका आउटपुट ले पाएंगे। अभी हम लोग जो हमारा रिवर्स पार्किंग कैमरा है उसे इंस्टॉल करेंगे। तो वायरिंग हम लोगों ने सारी फ्रंट साइड से लेकर लास्ट तक यहाँ पर ले आई है। यहाँ आप देखेंगे हमारा जो कैमरा है यहाँ पर अभी ऑन होने वाला है, इसको हम चेक करेंगे कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। और यहाँ देखिए हम लोगों का जो कनेक्शन हो गया और जो मैंने कहा था इसके अंदर LED आपको मिलती है, तो ये देखिए LEDs ऑन हो गई हैं। कैमरे का व्यू आपको कैसे मिलेगा तो यहाँ पर देख पाएंगे, हम लोग कैमरा यहाँ पर रख रहे हैं, अभी आपको बताता हूँ कि इसका व्यू आपको कहाँ मिलेगा। तो देखिए हमारे स्क्रीन पर आपको इसका व्यू देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल बोलेरो जो गाड़ी हमारी काफ़ी लंबी रहती है और आपको अगर कैमरे की ज़रूरत है तो बिल्कुल मिरर डिस्प्ले और ये कैमरा आप लगवा सकते हैं। अभी आप देख पाएंगे हम लोग अपने कैमरे का टेस्ट कर रहे हैं और मिरर डिस्प्ले में हमारा जो व्यू है रियर साइड का आपको देखने को मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको आफ्टर मार्केट मिल जाती है, बड़ी सस्ती रहती है, आप बिल्कुल अपनी गाड़ी के लिए इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हम लोग कैमरे को इंस्टॉल करने के लिए रियर साइड में जो हमें बिट मिली थी उसके थ्रू यहाँ पर होल करने वाले हैं। प्रॉपर कैमरे के लिए ये बिट आती है और इस बिट को यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद हमारा कैमरे को अभी हमें यहाँ इंस्टॉल करना है। वायरिंग हम लोगों ने पहले से दे दी थी, अब यहाँ देखिए हमारा जो कैमरा है इस होल के अंदर से वायर्स डाल के प्रॉपर यहाँ पर फिक्स हो जाएगा और ये वाटरप्रूफ होता है तो बारिश वगैरह में भी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं जाती है, आपको बारिश वगैरह में भी ये बहुत बढ़िया व्यू देता है रियर साइड का। तो आप बिल्कुल इस तरीके से अपनी गाड़ी के अंदर रिवर्स पार्किंग कैमरा इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो कैमरा है यहाँ पर तो हो गया इंस्टॉल, अभी इसे अंदर डालकर इसको प्रॉपर फिनिशिंग हम लोग अभी देने वाले हैं। ये कैमरा अब इसका हमें चेक करना है फ्रंट साइड में कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, तो वो देख पाएंगे। LEDs इसके ऑन रहते हैं, जब भी आप रिवर्स गियर डालेंगे तो LEDs ऑन हो जाएगा और आपका कैमरा भी ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख ही पाएंगे इसकी सेटिंग अभी हम लोग कर रहे हैं, रियर साइड का व्यू आपको इसमें देखने को मिल जाएगा।
इसमें गाइडलाइंस भी आती है कि आप जब भी मूव करेंगे गाड़ी को तो ये लाइन बताएंगी, ग्रीन का मतलब दूर है, येलो का मतलब थोड़े पास में, और रेड मतलब है डेंजर जोन में। तो ये आपको इंडिकेट भी करता है कि आप गाड़ी कितना पीछे लेके जा रहे हैं, और ये इंडिकेशन भी आपको इसके साथ में मिल जाते हैं कैमरे के। तो बिल्कुल भाई, आप इस तरीके का रिवर्स पार्किंग कैमरा और मिरर डिस्प्ले लगवा सकते हैं। चलिए अभी हम लोग करते हैं इसका एक टेस्ट, इसका स्टेबिलिटी टेस्ट देखते हैं। गाड़ी को चला रहे हैं और चलाने के बाद में इसका लुक आप देखिएगा भाई कैसा है। ये अपनी जगह पर स्टेबल रहता है, ज़्यादा ना हिलता है ना डुलता है, और बढ़िया वर्क भी करता है। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा भाई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।